तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले सीखे थे, ठीक है ना। और उसमें कुछ फॉर्मूले में एक्स प्लस वी वाली कंडीशन सीखी थी, एक्स टू दी पावर एन वाले फॉर्मेट में और वन बाई एक्स वाले फॉर्मेट में। तो उसी चीज को हम आगे सीखते हैं, और भी जो भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को एक्स प्लस बी फॉर्मेट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो भी आज सीखते हैं, ठीक है। देखो लास्ट दो क्लास में हमने लास्ट की क्लास में इंटीग्रेशन में एक्स प्लस बी वाली कंडीशन सीखी थी, उसी में आगे सीखते हैं। e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमने लास्ट क्लास में सीखा था e टू दी पावर एक्स प्लस सी, और हमने ए भी सीखा था यदि एक्स की जगह एक्स प्लस बी आ जाता है तो जहां भी एक्स होगा उधर पर एक्स प्लस बी वाली कंडीशन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस बी। तो इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वही सेम करना है, बस इतना याद रखना है एक्स का जो कॉफिशियंट है उसका डिवाइड कर देना विद साइन, बाकी सब फॉर्मूला एक्स के अकॉर्डिंग, हमें जो x के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है वही ax प्लस बी के अकॉर्डिंग होगा। बट इधर x है तो उधर x आएगा, इधर ax प्लस बी है तो उधर x की जगह ax प्लस बी हो जाएगा, और x का जो कॉफिशियंट है उसका डिवाइड कर देते हैं तो इधर आ जाएगा e टू दी पावर ax प्लस बी, और x के कॉफिशियंट का डिवाइड कर दो a और प्लस सी। इसमें एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 3 e टू दी पावर, तो हमने क्या बताया था जब किसी फंक्शन के साथ यदि कोई कांस्टेंट इनटू में है तो वो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के आगे ले लेते हैं, तो 3 e टू दी पावर x तो इक्वल टू 3 e टू दी पावर x प्लस सी आ जाएगा, समझ में आ गया। अब इस वाले फॉर्मेट को देखो 3 e टू दी पावर 2x प्लस 3। अब इस वाले क्वेश्चन इसमें x की जगह ax प्लस बी वाला फॉर्मेट है, तो मतलब इसको इसके अकॉर्डिंग, तो पहले जो कांस्टेंट है उसको आगे ले लो, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस 3 dx। तो हमने क्या बताया था जो फॉर्मूला x के अकॉर्डिंग होता है वही ax प्लस बी के अकॉर्डिंग, तो इधर आएगा 3 e टू दी पावर 2x प्लस 3, और हमने बताया था जो x का कॉफिशियंट है उसका डिवाइड कर देते तो अपॉन 2 प्लस 3, तो इधर आएगा 3 बाई 2 और e टू दी पावर 2x प्लस 3 प्लस 3। तो हमने e टू दी पावर x वाला फॉर्मेट भी सीख लिया। अब आगे देखते हैं a टू दी पावर x वाला, ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला बताया था ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। अब यहां पर हम ए टू दी पावर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी, अब एक्स प्लस बी मतलब बेस ए है तो उसको पी एक्स प्लस क्यू लिखते, तो ए टू दी पावर पी एक्स प्लस क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वही जो a टू दी पावर x के अकॉर्डिंग, तो a टू दी पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, यहां पर जो log के साथ आता है वो बेस आता है तो इधर पर बेस a है तो log a टू बेस e प्लस c। एक चीज और बताई थी हमने x का जो कॉफिशियंट है उसका डिवाइड, तो वन अपॉन, समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू दी पावर एक्स अपॉन 3, तो हमने क्या बताया था जब भी कांस्टेंट हो तो उसे कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के आगे, तो यहां पर अपॉन में तो अपॉन के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा तो 1 बाई 3 और इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू दी पावर एक्स डी एक्स, तो 5 टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन मतलब ए टू दी पावर एक्स, तो क्या आएगा 1 बाई 3 इंटू 5 टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग 5 टू बेस ई और प्लस सी, समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, अब हमें यहां पर इसी फॉर्मूले में a टू दी पावर पी एक्स प्लस क्यू वाली कंडीशन का एक एग्जाम्पल सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ
10 टू दी पावर 1 माइनस एक्स डीएक्स। तो इसका क्या आएगा, 1 माइनस एक्स मतलब यहां पर एक्स वाला टर्म बाद में और कांस्टेंट पहले है, तो यहां पर यही कंडीशन है, ठीक है ना। अब इधर देखो इसका फॉर्मूला यही आएगा, 10 टू दी पावर 1 माइनस एक्स अपॉन लॉग 10 टू बेस ई प्लस सी। हमने क्या बताया था, एक्स का जो कॉफिशियंट है उसका विद साइन डिवाइड करते हैं, तो एक्स का कॉफिशियंट 1 है और आगे माइनस लगा हुआ है, इट मींस माइनस 1 है, तो हमें क्या करना है, माइनस 1 का डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा माइनस 10 टू दी पावर 1 माइनस एक्स अपॉन लॉग 10 टू बेस ई प्लस सी। समझ में आ गया ना, हमने ए टू दी पावर एक्स और ए टू दी पावर पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो ऐसे सारे फॉर्मूले एक बार में हम लिख लेते हैं सारे, ठीक है। जैसे साइन एक्स का क्या बताया था हमने, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, एंगल हमने एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी, तो इसका यही होगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और एक्स के कॉफिशियंट का डिवाइड प्लस सी। सेकेंड वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, अब x की जगह ए एक्स प्लस बी, तो cos ए एक्स प्लस बी dx का, इधर x की जगह ए एक्स प्लस बी, तो इधर भी आ जाएगा sin ए एक्स प्लस बी और x के कॉफिशियंट का डिवाइड प्लस सी। और भी देखिए, अब इसके बाद क्या आता है, sec स्क्वायर x वाला, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 10x प्लस सी, तो यहां x की जगह ax प्लस बी, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ax प्लस बी dx, तो क्या आएगा 10 ax प्लस बी और x के कॉफिशियंट का डिवाइड प्लस सी, ठीक है। अब सीधा था हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डीएक्स, तो इसका क्या होगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी और एक्स के कॉफिशियंट का डिवाइड प्लस सी, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स वाला डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन हमने सीखा था sec x प्लस सी, तो x की जगह अब ex प्लस बी, तो इधर पर दो जगह x है, दोनों जगह x की कंडीशन सेम होनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec ex प्लस बी इंटू टेन, इधर भी वही सेम कंडीशन ex प्लस बी, तब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इधर पर लीनियर कुछ और हो, इधर लीनियर कुछ और हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब वैसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, तो इधर आ जाएगा sec ax प्लस बी और x के कॉफिशियंट का डिवाइड प्लस सी। समझ में आ गया, अब इसी चीज को आगे देखिए, एक और फॉर्मूला बचा उसमें cosec x इंटू cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस क
कॉसेक एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स की जगह एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी इंटू कॉट एक्स प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। फिर से हमारी बात ध्यान से सुनना जो हम बता रहे हैं कंडीशन। पहले भी हमने बोला एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यदि बी हो अदरवाइज या केवल एक्स वाला फॉर्मेट है तो भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारी बात जैसे हमने कहा साइन फाइव एक्स, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, एक्स प्लस बी वाले, क्योंकि आउटपुट में बी वाला, यदि बी है तो इधर बी आएगा, मतलब बी हो अदरवाइज ना उसके फॉर्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? तो केवल एक्स वाली कंडीशन भी हो तो भी वहां पर एक्स प्लस बी के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया ना। इसके आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यदि हम कहें इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इन दोनों को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, सोचो। तो इन दोनों को इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास ना तो साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला है ना ही कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो हम यहां पर कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं, जब भी साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स टाइप का कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस टू एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है ना। तो यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉस टू एक्स इधर प्लस वन हो जाएगा, ये आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई है, इधर टू अपॉन में पहुंच जाएगा तो वन बाई टू ब्रैकेट में कॉस टू एक्स प्लस वन। समझ में आ गया ना अच्छे से। अब ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कॉस स्क्वायर एक्स टाइप के किसी फंक्शन को से इंटीग्रेट करना है तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 बाई टू ब्रैकेट में कॉस टू एक्स प्लस वन लिखकर हम सॉल्व करेंगे। अब ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स को कैसे करेंगे सॉल्व, तो कॉस टू एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो टू साइन स्क्वायर एक्स इस साइड आओ तो टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स, यही आएगा ना। तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन बाई टू इधर होगा और वन माइनस कॉस टू एक्स। तो यहां पर इस बात को हमेशा याद रखना है, जब भी किसी फंक्शन में कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट आपको करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसा लिखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिखकर उसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी फंक्शन है यहां पर कॉस टू एक्स प्लस वन है तो कॉस टू एक्स का भी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, वन का भी कर सकते हैं, इधर भी वही वन का भी कर सकते हैं कॉस टू एक्स का। तो सेकंड वाला क्वेश्चन पहले देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या बताया है, वन बाई टू ब्रैकेट में कॉस टू एक्स प्लस वन dx, तो 1 बाई टू आगे आ जाएगा तो 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में cos 2x plus 1 dx, तो सेपरेट करते हो इसको 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 1 बाई टू ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सीखा था ना कि जब भी ब्रैकेट में एक से ज्यादा टर्म हो वो प्लस माइनस में है तो सबको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। अब देखो वन बाई टू यहां पर कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन मतलब कॉस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि यहां पर एक्स की जगह ए एक्स है, बी वाला टर्म नहीं है, हमने बोला था एक्स की जगह केवल ए एक्स हो तो भी वहां पर ए एक्स प्लस बी के अकॉर्डिंग।
तो कॉस 2x मतलब कॉस ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ax, साइन ax मतलब साइन 2x और फिर x के कोफिशिएंट का डिवाइड। हमने 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था, x, तो ये आ गया साइन 2x अपॉन 4 प्लस x प्लस c, समझ में आ गया ना। अब हम सीखेंगे साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो साइन स्क्वायर x को इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर x को हमने लिखना बताया था ऐसा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x और dx, तो 1 बाई 2 को इंटीग्रेशन साइन के आगे, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इधर आ जाएगा 1 बाई 2, हमने क्या होता ब्रैकेट के अंदर दो टर्म बीच में माइनस है तो दोनों को सेपरेट कर देंगे। अच्छा, इसकी लास्ट वाली क्लास में जो आंसर आया था वो ऐसा था ना, इसके लास्ट वाले क्वेश्चन 1 बाई 2 ब्रैकेट में साइन 2x अपॉन 2 और प्लस x ऐसा था, उसको थोड़ी सा चेंज कर लेना क्योंकि इसमें ब्रैकेट के बाहर 1 बाई 2 था, ये 1 बाई 2 इसका नहीं है, इसके पहले जो हमने cos स्क्वायर x का किया था ना तो उसमें 1 बाई 2 दोनों के बाहर 1 बाई 2 को इंटू करो तो आ जाएगा साइन 2x अपॉन 4 और प्लस इधर एक्स बाई 2 है, ठीक है। इधर एक थोड़ी सा करेक्शन कर लेना, 1 बाई 2 इसका इसमें इंटू नहीं है, 1 बाई 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, तो यहां पर 1 बाई 2 ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x मतलब ax, cos 2x 2x मतलब ax के अकॉर्डिंग, तो cos ax का क्या होगा sin ax और x का कोफिशिएंट प्लस, समझ में आ गया। ऐसे ही sin cube x और cos cube x को हमें इंटीग्रेट करना सीखना है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं साइन क्यूब एक्स या कॉस क्यूब एक्स का जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। तो साइन आपको पता है साइन थ्री एक्स का, हाँ ये दोनों फॉर्मूले यही लिख लीजिए, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। अब इससे साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालो तो इधर आएगा तो फोर साइन क्यूब एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स और माइनस साइन थ्री एक्स, तो इधर आ जाएगा साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1 बाई 4 और ब्रैकेट में थ्री साइन एक्स और माइनस साइन थ्री एक्स। तो जब भी आप साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करो तो साइन क्यूब एक्स को इस फॉर्मेट में लिख देना, फिर इनको सेपरेट इंटीग्रेट करना, तो ये तो 1 बाई 4 बाहर हो जाएगा, 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन, 3 साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन, साइन 3x मतलब साइन ए एक्स, तो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स और अपॉन में x का कॉफिशियंट तो 3, समझ में आ गया ना। ऐसे सेकंड फॉर्मूला कॉस क्यूब एक्स का, तो कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यूब एक्स और माइनस 3 कॉस एक्स, तो इधर पर कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू तो 4 कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू ये वाली चीज इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस 3 एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, तो इधर पर कॉस क्यूब एक्स को क्या लिखेंगे हम 1 बाई 4 ब्रैकेट में कॉस 3 एक्स और प्लस 3 कॉस एक्स। तो इस बात को याद रखना है कि जब भी साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन क्यूब एक्स को इस फॉर्मेट में लिखेंगे और कॉस क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस क्यूब एक्स को इस फॉर्मेट में लिखने के बाद ही हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आज की क्लास में इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले सीखे थे और एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब इसी चैप्टर को हम
आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे।